क्षेत्रीय विधायक तेजेंद्र निर्वाण ने राजकीय चिकित्सालय में विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़े का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को भी सुना। जनपद शामली में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 से 16 अप्रैल तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़े का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ क्षेत्र विधायक तेजेंद्र निर्वाण ने फीता काट कर किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को लगने वाले टीकाकरण के बारे में भी जानकारी ली। ACMO डॉक्टर सफल कुमार ने बताया कि नियंत्रण पखवाड़े का उद्देश्य है 1 से 15 वर्ष के बच्चे का जई टीकाकरण, मच्छरों से बचाव, खुले में शौच मुक्त, कुपोषित बच्चों की पहचान तथा उपचार, स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधित व्यवहार परिवर्तन, पर्यावरण और व्यक्तिगत साफ सफाई के प्रति जागरूक करना है। विधायक ने इस दौरान हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी को बेहतर चिकित्सा सुविधा देना चाहती है, जिसके लिए अनेकों योजना चला रखी हैं। उन्होंने मरीजों से प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने चिकित्सकों को चेतावनी दी कि यदि मरीजों के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायत पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए ये एक्चुअल में बीमारी बहुत फैले है, पूर्वांचल में बहुत ज्यादा है बीमारी, और माननीय योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बीमारी को लेकर बहुत लंबे समय से अभियान छेड़ा हुआ था। पूरे गोरखपुर रेंज में आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे इससे मर जाते हैं हर साल, और इसीलिए कि उनके अंदर इतनी संवेदना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते कि आगे भविष्य में ये बीमारी कहीं तक भी फैले तो कोई भी बच्चा इससे प्रभावित हो सके और किसी की जान इसके कारण से चली जाए। इसलिए उन्हें सब जगह पर इसकी रोकथाम के लिए जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन सब जगह पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इसलिए कराए जा रहे हैं कि अगर 1% भी कोई संभावना इस बीमारी की फैलने की दर होगी तो उसे रोका जा सके। ये वास्तव में बहुत सराहनीय प्रयास है मुख्यमंत्री जी का, और ये उनकी संवेदनशीलता को जाहिर करता है।